हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एथिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो है हमने एसेंस ऑफ एथिक्स देखा था प्लस उसके कुछ कंपोनेंट देखे थे। ये जो है इसमें तीन टॉपिक हमारे बचे हुए थे। ये सबसे पहला एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड मोरालिटी और एथिक्स एंड लॉ। इन तीन टॉपिक को कवर करने के बाद जो हमारा एसेंस ऑफ एथिक्स है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ एथिक्स एंड मोरालिटी को सबसे पहले। पर उससे पहले अभी तक हमारे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, मोरालिटी को समझने के लिए ना आप एक एग्जांपल समझिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस या मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है। देखिए, एक सोसाइटी है जिसमें जो अडल्ट्री है, आप अडल्ट्री पता है ना आपको, जब कोई मैरिड इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो इसको कहते हैं अडल्ट्री। तो अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई सोसाइटी जिसमें जो अडल्ट्री है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मतलब मैं क्या बोलूँगा कि जो वहाँ के एथिक्स हैं या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से जो अडल्ट्री है ये जायज़ नहीं है या इललेजिटिमेट है। मतलब अडल्ट्री अगर आप कमिट करोगे तो आप सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप गलत कर रहे हो। वहीं अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब कोई दूसरी सोसाइटी है, वही जो है इस अडल्ट्री को जायज़ करार देती है। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल अडल्ट्री कमिट करता है तो वो सोसाइटी के हिसाब से सही है। मतलब सोसाइटी के हिसाब से जो है वो स्टैंडर्ड, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो अडल्ट्री है वो सही है। बट वहीं पे कोई एक इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है उसी सोसाइटी में जिसमें लेजिटिमेसी है ये अडल्ट्री के लिए, तो वहीं एक ऐसा इंडिविजुअल भी हो सकता है कि भैया नहीं, मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि अडल्ट्री जो है ये सही नहीं है और मेरे हिसाब से जो है अडल्ट्री गलत है और मैं नहीं कमिट करूँगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल अपने बेसिस पे अपने मतलब मोरल यूज़ करके जब कोई चीज़ सही या गलत को डिसाइड करता है तो इसी को कह देते हैं हम मोरालिटी। और एथिक्स किसको कहते हैं? जब कोई इंडिविजुअल एथिक्स जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे कोई सही या गलत निकालता है तो उसको कह देते हैं एथिक्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा, मोरालिटी और एथिक्स दोनों की दोनों। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब कोई इंडिविजुअल अपने स्तर पर सही या गलत को डिसाइड करता है तो उसको कह देते हैं मोरालिटी। अब दूसरा कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी के एथिक्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि सही या गलत क्या है उसको कह देते हैं हम एथिक्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा, दोनों की दोनों डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों की दोनों ही आपको समझ आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। अगर एथिक्स के बारे में बात करें तो एथोस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं, ये ओरिजिन वर्ड है और इसका जो मतलब होता है ये होता है कैरेक्टर। अगर बात करें मोरालिटी की तो ये जो ग्रीक वर्ड है मोर्स, यहाँ से ओरिजिन है इसका माना जाता है, और मोर्स का मतलब होता है कस्टम, हैबिट्स, कैरेक्टर या कंडक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल और हैबिट विद रिस्पेक्ट टू द राइट ऑफ रॉन्ग वाइल मोरल ऑल्सो प्रिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स, मोरालिटी अल्टीमेटली पर्सनल कंपस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल अपना पर्सनल कंपस यूज़ करता है, जैसे मान लीजिए अपने पर्सनल बेसिस पे अपनी रैशनैलिटी यूज़ करके यूज़ करता है कि मतलब मेरे हिसाब से जो है सही या गलत क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई एक्शन जो है मोरल है या नहीं है, तो मतलब जब पर्सनल बेसिस पे करेगा कोई बंदा सही या गलत को डिसाइड तो उसको कह देंगे हम मोरालिटी। ठीक है, समझ आया? ठीक है, और अगर एथिक्स की बात करें तो जो सोसाइटी में पूरी सोसाइटी ने जितने भी नॉर्म्स बना रखे होंगे उसको कह देते हैं हम एथिक्स। मतलब जो पूरी सोसाइटी मिलकर स्टैंडर्ड्स बनाएगी, ठीक है, ये और फॉलो करना पड़ेगा तो उसको कह देंगे हम एथिक्स। बट जो पर्सनल बेसिस पे होगा उसको कह देंगे हम मोरालिटी। आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एथिक्स कहाँ से आते हैं, सोशल सिस्टम से आते हैं जो कि एक्सटर्नल है, और मोरालिटी कहाँ से आती है कि इंडिविजुअल, जो कि इंटरनल होती है एक इंडिविजुअल की। जैसे जो मोरालिटी होती है ये एक इंडिविजुअल के अंदर से आती है। ठीक है, एक इंटरनल फिनोमेना है, याद रखना। अब आगे बात कर लेते हैं एथिक्स लार्जली सेज यूनिवर्सल ट्रूथ कंपैशन नॉन वायलेंस। अब देखिए, एथिक्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल फिनोमेना होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था। बट जो मोरालिटी होती है ये यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं होता। अब हर इंडिविजुअल के हिसाब से पर्सनल, जैसे मान लीजिए आप पर्सन टू पर्सन मैंने बताया था ना, नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। अब हर इंडिविजुअल के हिसाब से जो मोरालिटी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अब कुछ लोग जो इंडिविजुअल हैं उसी सोसाइटी में जिसमें अडल्ट्री लेजिटिमेट थी, अब कुछ लोग मानेंगे कि नहीं भैया हमारी सोसाइटी तो एक्सेप्ट करती है तो मेरे हिसाब से जो है अडल्ट्री क्या है, लेजिटिमेट है, जायज़ है। अब कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी तो होंगे जहाँ जो लोग बोलेंगे कि जो अडल्ट्री है ये लेजिटिमेट नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो मोरालिटी होती है सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। ठीक है, और जो एथिक्स होते हैं ये लार्जली यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे लिख भी रखा है व्यूज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, क्रॉस कसन मैरिज चेंज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये मेरे हिसाब से गलत है, और कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है मेरे हिसाब से सही है। तो मतलब जो है ये मोरालिटी होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है।
ठीक है। मोरालिटी कनेक्ट्स विद द कल्चरल नॉर्म्स, जो हम जैसा हमारा कल्चर होता है, मैंने बताया था ना आपको, जैसा हमारा कल्चर होता है जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वैसा ही शेप हो जाता है। बट जो एथिक्स होते हैं ये प्रोफेशनल प्लस जो लीगल गाइडलाइंस होते हैं उनसे गवर्न होते हैं, ये भी याद रखना। वैसे एथिक्स में ज़्यादा समझने की दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले जो इससे पहला लेक्चर था उसी में आपको अच्छे से समझाया था। बट मोरालिटी यहाँ पर अच्छे से समझना कि जो मोरालिटी होते हैं ये हमारे कल्चर से डायरेक्टली, जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मैंने बताया था ना जैसा हमारा कल्चर होगा वैसा ही ह्यूमन जो ह्यूमन बिहेवियर है वैसा ही शेप हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इनके जो डिफरेंस या फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में। मोरालिटी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट विच मे और मे नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए, अब हर सोसाइटी में हर इंडिविजुअल ज़रूरी थोड़ी ना किसी टॉपिक के बारे में सोचे ही। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, होमोसेक्सुअलिटी हो गया या फिर क्रॉस कज़न मैरिज हो गया। अब हर इंडिविजुअल अगर आप पूछेंगे तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी तो होंगे कि भैया मैंने कभी सोचा ही नहीं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, कभी क्रॉस कज़न मैरिज के बारे में सोचा ही नहीं। तो किसी कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो स्टैब्लिश हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं मोरालिटी के, वो स्टैब्लिश ही नहीं किए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर सोसाइटी में जो है कुछ बंदों के जो मोरल स्टैंडर्ड हैं वो स्टैब्लिश हों ही। कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके स्टैंडर्ड ही ना हो मोरालिटी पे कुछ भी, ठीक है, या फिर उन्होंने जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैब्लिश ही ना किए हों। बट अगर एथिक्स की बात करें तो हर सोसाइटी में जो है ये हमको देखने मिलेंगे। चाहे किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, एथिक्स तो होते ही होते हैं किसी भी सोसाइटी में। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जो है गवर्न करने के लिए कोई ना कोई सोसाइटी एस्टैब्लिश कर ही लेती है, ठीक है, याद रखना। अगर बात करें मोरालिटी की, बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टैंडर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड दैट इज़ ऑन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। याद रखना ये जो मोरालिटी होती है हमेशा जो इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे बेस्ड होती है। बट एथिक्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो पूरी सोसाइटी में फॉलो करे जाते हैं स्टैंडर्ड, उन पे बेस्ड होता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोरालिटी जो होती है ये इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, इंडिविजुअल कैसा सोचता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है या उसकी सोच कैसे, उस पे बेस्ड होता है कि जो एक बंदे के मोरल स्टैंडर्ड होंगे वो किस तरह के होंगे। डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक, ये मैंने दूसरे जो दूसरा वाला पॉइंट है इससे रिलेट करता है। जैसे इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसा उसे पसंद है, जैसा उसे डिसलाइक, जिस चीज़ को डिसलाइक करता है उसी के हिसाब से जो उसकी मोरालिटी है वो शेप हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें एथिक्स के बारे में, लेस टू डू विद द पर्सन थिंग्स वन इफ पर्सन लाइक्स और डिसलाइक शैल हैव कन्फर्म विद द एथिकल स्टैंडर्ड फॉर एथिकल कंडक्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल को पसंद है कोई चीज़ या नहीं पसंद है, बट जो एथिकल जो है कंडक्ट है उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए मान लीजिए किक मूवी, मैंने बताई थी ना लास्ट लेक्चर में आपको, किक मूवी में जो सलमान खान होता है, अब वो ये कह सकता है कि नहीं भाई सोसाइटी तो मुझे पसंद नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से वो सही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल चोरी कर रहा हूँ और चोरी करके लोगों की मदद कर रहा हूँ मेरे हिसाब से सही है, बट जो सोसाइटी है वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। मतलब सोसाइटी के हिसाब से उसको चोरी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती कि आप चोरी करके लोगों की मदद कर रहे हो। लोगों की मदद कर रहे हो ठीक है, बट चोरी जो है हमारे सोसाइटी के हिसाब से अनएथिकल मानी जाती है। ओनली अबाउट राइट्स एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके हिसाब से राइट एंड रॉन्ग क्या है, मतलब जो पर्सन लेवल पे बंदा डिसाइड करता है कि मेरे हिसाब से सही और गलत क्या है, उस पे मोरालिटी डील करती है। अगर एथिक्स की बात करें, साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग अबाउट यू, वट शुड बी द बेसिस ऑफ डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग। मतलब क्या है कि एथिक्स इससे डील करता है कि भैया अगर आपने किसी एक्शन को सही या गलत बोला है तो वो किस बेसिस पे बोला है, ये भी हमको डिटरमाइन करना पड़ता है एथिक्स में। मतलब क्या है कि हमारा कहने का, कुछ भी कहने का जो डिटरमाइन, कुछ भी डिटरमाइन करने का बेसिस क्या है, ये हमको एथिक्स में प्रूव करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स बन रखे हैं कि ये भैया ये स्टैंडर्ड है हमारा, ये कस्टम है या फिर ये कल्चर है, इसके हिसाब से जो है ये गलत है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए चोरी है, अब चोरी जो है हमारी सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड बन रखे हैं उनके हिसाब से तो आप गलत करो ना, तो मतलब जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको बेसिस देना पड़ेगा कि भैया इस बेसिस पे जो हम डिटरमाइन करते हैं कि जो चोरी है ये गलत है। आई होप ये आपको समझ आएगा, मोरालिटी प्लस जो एथिक्स में डिफरेंस है या फिर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन दोनों को। अब बात कर लेते हैं लॉ एंड एथिक्स के बारे में। ये सारा का सारा मैंने मोरालिटी कवर करवा दिया, अगर आपको मोरालिटी पे आ जाए लिखना तो यही सारी चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। ये दिखा देता हूँ एक बार, ये सारा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर ये सारा चीज़ें कवर किया। अब बात करते हैं लॉ एंड एथिक्स के बारे में। देखिए लॉ को अगर मैं समझाऊं सबसे आसान भाषा में तो लॉ क्या है, एक ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन टू अचीव कॉमन गुड। अब इसको कैसे समझाता हूँ एक एग्जांपल से। थॉमस हॉब्स के बारे में सुना होगा आपने, अगर आप पॉलिटिकल ऑप्शनल है या फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है थॉमस हॉब्स के बारे में,
तो वो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। देखिए थॉमस हॉब्स की जो स्टेट थ्योरी थी ना, ये क्या कहते हैं, जब हमारे स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, जब सोसाइटी में अनार्की थी, सोसाइटी में इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, तब सोसाइटी क्या करती थी, कुछ इंडिविजुअल थे या फिर जो सोसाइटी के लोग थे वो एक साथ आए और उन्होंने स्टेट का निर्माण किया, और स्टेट का निर्माण करने के साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए या फिर मैं बोलूँ कानून बनाए, ताकि इस स्टेट को गवर्न किया जा सके। यहाँ पे देख भी लीजिए, दिस लॉ हैज़ द मोरल बेसिस एज पर थॉमस हॉब फॉर इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर ग्रेटर गुड्स एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एज वेल एज कॉमन गुड। मतलब क्या है कि ये जो लोग थे ये एक साथ आए, इन्होंने स्टेट का निर्माण किया, प्लस स्टेट के साथ साथ इन्होंने कानून का भी निर्माण किया, ताकि जो स्टेट है इसको अच्छे से गवर्न किया जा सके। देखिए जब स्टेट जो है अच्छे से गवर्न होगा तो पूरी सोसाइटी में जो है एक कॉमन गुड जो है, या फिर मैं बोलूँ यूटिलिटेरियन गुड, ठीक है ये मार्क्स ने यूज़ किया था, यूटिलिटेरियन गुड जो है अचीव किया जाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ये मतलब होता है यूटिलिटेरियन। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी जब ये थिंकर्स वगैरह को पढ़ाऊंगा, या फिर जब बहुत सारे जो थिंकर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जब पढ़ाऊंगा, तब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा कि मार्क्स का या फिर यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। बस अभी के लिए ये समझ लो कि लॉ क्या है, एक ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है जो कॉमन गुड को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ये डेफिनेशन भी आपको समझ आया होगा। फिर लॉ की अगर बात करें तो लॉ हमेशा याद रखना ये फैक्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। और लॉ कब माना जाता है, देखिए लॉ बहुत तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, लॉ बहुत तरीके के होते हैं, जैसे रिलीजियस लॉ हो गया, फिर एनवायरमेंटल लॉ हो गया, फिर पॉलिटिकल लॉ हो गया, सोशल लॉ हो गया, ये बहुत सारे लॉ होते हैं। बट हम जब एथिक्स पढ़ रहे हैं तो याद रखना हम उन लॉ की बात करेंगे जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। याद रखना लॉ कौन किसकी बात करेंगे, जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर कौन से कानून बनाती है आपको पता ही होगा, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे जीएसटी हो गया, ट्रैफिक रूल हो गया, आरटीआई लॉ हो गया, ठीक है जी, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे लॉ अगर आपको पसंद है नहीं पसंद है बट फिर भी आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है याद रखना। अब कुछ बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज प्लस जो एथिक्स में सिमिलैरिटीज या डिफरेंस क्या है। ये भी याद रखना कि जो लॉ है और एथिक्स हैं दोनों ही एक दूसरे से मतलब टच में, जैसे टच में इन द सेंस कैसे, एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कई बार होता क्या है कि हमको जो है लॉ प्लस एथिक्स दोनों को ही देखकर सोसाइटी में बनाना पड़ता है। जैसे लॉ, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई लॉ है, आप लॉ लेके आ रहे हो बट वो हमारे सोसाइटल के एथिक्स से मैच नहीं खाता तो लोग जो है अपोज करेंगे आपके लोगों को। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे सबरीमाला केस, सबरीमाला केस में आपको पता होगा कई लोगों जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी वुमेन एंट्री पे, कई लोग जो थे एक्सेप्ट भी कर रहे थे इसको और कई लोग जो थे इसको रिजेक्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना कि हमेशा जो है कॉम्बो में खेलेंगे लॉ और प्लस एथिक। अब बात कर लेते हैं लॉ और एथिक्स में सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंस क्या है। अगर बात करें लॉ की तो ये याद रखना ये हमेशा फैक्ट पे, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे ये बेस्ड होगा, ठीक है। और इसको जो है एनफोर्स भी किया जा सकता है जो भी अथॉरिटी होगी, ठीक है याद रखना जो लॉ होता है इसको एनफोर्स किया जाता है और हमेशा फैक्ट और ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होगा। और मैंने क्या बताया था एथिक्स में, याद करिए ये हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो एथिक्स हों हर सोसाइटी में एक ही जैसे हों। अब जैसे देखिए हर सोसाइटी में जाएंगे, हर सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड होंगे वो अलग अलग होंगे, तो ये जो होता है सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो जाता है, बट जो लॉ होता है ये चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा कानून है वैसा ही सज़ा मिलेगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप किसी बंदा है कोई इंडिविजुअल, उसने चोरी करी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए, मतलब मान लीजिए उसकी बेटी जो है कुछ भी बीमारी से सफ़र करी है, तो एक इंडिविजुअल ने चोरी करी अपनी बेटी को जान बचाने के लिए, बट हालांकि उसने चोरी करी है, ठीक है उस किस लिए, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए, बट जो लॉ है हमारा इसको चोरी ही करार देगा, ये जो हमारे नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी, मतलब जो इमोशंस होते हैं इसको ऐड नहीं करता हमारा लॉ, ठीक है याद रखना, ठीक है ये इंडिविजुअल जो है ये चोर ही समझा जाएगा। अगर बात करें लॉ की तो ये लीगल सैंक्शन होते हैं ह्यूमन कंडक्ट के, ठीक है। और अगर बात करें एथिक्स के तो ये मोरल सेक्शन होते हैं ह्यूमन कंडक्ट के, ठीक है याद रखना। फिर अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, इट्स अ जनरल स्टैंडर्ड्स एंड लीगली स्टैटिक। और ये भी याद रखना, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो लॉ होता है ये इन्फोर्स किया जाता है अथॉरिटी द्वारा, बट जो एथिक्स होते हैं ये इन्फोर्स नहीं किए जाते, ये सोसाइटी में पहले से ही होते हैं जो इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने तीसरा पॉइंट बता रहा था यहाँ पे, इट्स अ जनरल स्टैंडर्ड एंड लार्जली स्टैटिक। और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या लॉ होता है ये लार्जली स्टैटिक होता है, बट जो एथिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अब जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी आ रही है तो अब जो हमारे एथिक्स हैं ये चेंज होते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अब आपने सुना होगा होमोसेक्सुअलिटी जो सेक्शन 377 था,
अब सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही थी तो इसकी जो कमी थी ये मतलब डीक्रिमिनलाइज करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब देखिए अगर अगर अब भी हम डीक्रिमिनलाइज नहीं करते तो हम जो कल्चरली है ये लैग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारे कल्चरल वैल्यू चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी के एथिक्स चेंज हो रहे हैं, तो इसको डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोग आवाज़ उठाने लगे थे कि भैया अब भी जो है इसको डीक्रिमिनलाइज क्यों कर रखा है आपने। क्योंकि अगर आप हमारा जो संविधान है ये आर्टिकल 21 बोलता है ना कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो जो होमोसेक्सुअल थे वो कहाँ लिव रह पा रहे थे। ठीक है, तो ये जो है एक जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट करता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है हमने इसको एंड कर दिया। तो याद रखना कि जो एथिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते रहते हैं और हर टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहते हैं। स्टेट नीड लॉ टू गवर्न, ठीक है, स्टेट नीड एथिक्स टू गेट रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट को है एथिक्स चाहिए होते हैं और यहाँ पर लॉ चाहिए होता है गवर्न करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए कई बार होता क्या है कि लॉ और जो होता है लॉ किसी सिचुएशन में क्लियर नहीं होता। ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको लॉ ही क्लियर नहीं होता कि लॉ क्लियर मतलब कोई किसी भी सिचुएशन के हिसाब से जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लॉ होता है किसी सिचुएशन स्पेसिफिक सिचुएशन में क्लियर नहीं होता, जिसके कारण जो होता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिर दूसरा, सोसाइटी इज डायनेमिक ड्यू टू चेंज, पास्ट लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ बिकम आउटडेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली अमेंडेड। मतलब इसका एग्जाम्पल मैं आसान भाषा में देता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया ना, सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। अब वही अगर मैं 377 वाला आर्टिकल समझाऊँ होमोसेक्सुअलिटी वाला, तो हमारी सोसाइटी तो चेंज हो रही थी बट जो लॉ होते हैं ये आउटडेटेड हो जाते हैं, जिन पर हमको रिफॉर्म करना या अमेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप सोच के देखिए, अभी हमने करा डीक्रिमिनलाइज 377 को, बट हमको ज़रूरत जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रही है सोसाइटी, हमको और ज़्यादा लॉ में रिफॉर्म्स या अमेंड लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लॉ होते हैं ये आउटडेटेड हो जाते हैं। तो इनमें ज़रूरी जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हमको इनमें रिफॉर्म्स वगैरह या अमेंडमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एनी एथिकल स्टैंडर्ड टू गेट स्टैब्लिश इट टेक्स टाइम एंड बाय टाइम इज नॉट स्टैब्लिश कॉन्फ्लिक्ट कीप हैपन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। अब देखिए जैसे जैसे अगर मान लीजिए हमको ज़रूरत है, अगर उसमें रिफॉर्म्स या फिर अमेंडमेंट नहीं आता है तो सोसाइटी में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे होमोसेक्सुअलिटी वाला ही मान लीजिए। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी में अगर हम रिफॉर्म नहीं लेके आते तो बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं या फिर जो एलजीबीटी जो ग्रुप हैं ये आवाज़ उठाते कि भैया अगर आप सबको इक्वल राइट दे रहे हो, ठीक है, हमारा जो संविधान है आर्टिकल 21 ये बोलता है ना कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, आप सबको राइट टू लिव विद डिग्निटी बोल दे रहे हो तो हमको कहाँ है राइट टू लिव विद डिग्निटी, हम तो चूज़ भी नहीं कर सकते अपना पार्टनर। तो ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट अराइव कर सकता था अगर हम अमेंडमेंट नहीं करते या फिर डीक्रिमिनलाइज नहीं करते आर्टिकल 377 को। ठीक है, तो टाइम टू टाइम चेंजेस लाना हमारे लॉ में या फिर अमेंड करना, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म करता है हमारे जो इतना भी लॉ और एथिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करता है। फिर बात करते हैं पॉइंट फोर के बारे में, एथिक्स डील विद ह्यूमन कॉम्पिटेंस विच कैन बी बेटर देन लीगल कॉम्पिटेंस, ठीक है, एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैनी टाइम्स सिविल सर्वेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव टू एक्ट इन सिचुएशन व्हेन लॉ इज नॉट क्लियर। बट कई बार सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास जहाँ पे उनको रख रखा है या फिर जहाँ पे उनको भेज रखा है काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो लॉ होता है ये क्लियर ही नहीं होता, और कई जगह तो जो लॉ होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब लॉ क्लियर नहीं होगा तो सिविल सर्वेंट एक्ट कैसे करेंगे। तो जो लॉ होता है इसको भी क्लियर ना होने की वजह जो सिविल सर्वेंट है वो एक्ट नहीं कर पाते, याद रखना। तो हमारा जो लॉ है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो टाइमली एक्शन ले पाएँ और जो सोसाइटी में पीस हारमोनी जस्टिस क्रिएट हो सके। आई होप ये आपको समझ आएंगे कॉन्फ्लिक्ट प्लस जो सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह भी समझाई एग्जाम्पल के साथ, तो ये मेरे को नहीं लगता आपको एथिक्स और लॉ में कोई भी डाउट होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। फिर बात करते हैं एथिक्स एंड रिलीजन के बारे में, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, फिर या फिर रिलीजन और एथिक्स में डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रिलीजन है क्या, ठीक है, क्या क्या फिलॉसफीज हैं, इस सबको डिस्कस करेंगे या फिर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं। सबसे पहले याद रखना कि जो एथिक्स होते हैं ना ये हमेशा रीजनिंग या फिर लॉजिक पे बेस्ड होंगे। किसी भी चीज़ को अगर बोल रहे हो ना कि अगर ऐसा है नहीं है ऐसा है, तो आपको उसके पीछे रीज़न भी देना पड़ेगा ऐसा क्यों। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि बारिश हो रही है, अब मैंने बोला बारिश के पीछे रीज़न क्या है, कि आप बोलोगे कि जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन
ठीक है। और ये जो फिनोमेना है जो वाटर साइकिल होती है इसके पीछे, ये वाटर जो बारिश हो रही है इसके पीछे ये रीज़न है। बट जो रिलीजन होता है ना इसके पीछे फेथ या फिर बिलीव होता है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आपने पूछा कि आपने किसी इंडिविजुअल को बोला कि आप मूर्ति पूजा करते हो, बट क्यों करते हो, क्या उसमें भगवान का वास है भी या नहीं है, तो आप इसमें कुछ प्रूव नहीं कर सकते कि जो आइडल हैं या फिर जो मूर्तियां हैं उसमें भगवान का वास है ही। ये विश्वास के ऊपर बेस्ड होता है। एक इंडिविजुअल जैसा विश्वास करता है वैसा ही जो है वो एक्ट करता है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो है आज भी जो मूर्ति पूजा करते हैं, बट मूर्ति में भगवान है या नहीं है ये कोई भी साबित नहीं कर सकता। बट हमारी सोसाइटी में ऐसा विश्वास करते हैं तो लोग रिलीजन को पूछते हैं या फिर भगवान को पूछते हैं, ठीक है। याद रखना, एथिक्स कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। मतलब क्या है कि एथिक्स जो है उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है कोई इंडिविजुअल और रिजेक्ट भी कर सकता है। जो भी, जैसे मान लीजिए अब कोई भी स्टैंडर्ड है, जैसे हमारी सोसाइटी में जितने भी स्टैंडर्ड है, अब जरूरी थोड़ी हर इंडिविजुअल उसको एक्सेप्ट ही करें। कोई इंडिविजुअल ऐसा भी तो अपोजिट सोच का भी तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने वही बताया था ना हमारी सोसाइटी में जो है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें अडल्ट्री एक्सेप्टेबल है, बट जरूरी थोड़ी ना हर इंडिविजुअल जो है वो इसको एक्सेप्टेबल ही समझे। कोई इंडिविजुअल ऐसा भी तो समझ सकता है कि नहीं, मेरे हिसाब से जो है अडल्ट्री गलत है और मेरे को नहीं फॉलो करना। तो ज़रूरी नहीं है हर इंडिविजुअल जो है इसे एक्सेप्ट ही करे, कोई इंडिविजुअल इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। बट यहाँ पे अगर बात करें रिलीजन की तो यहाँ पे बहुत कम स्कोप होता है कि, या बहुत कम स्पेस होता है कि कोई भी बंदा जो है रिलीजन को रिजेक्ट करे। मतलब बहुत कम स्कोप होता है रिलीजन को रिजेक्ट करने का। अगर बात करें एथिक्स की तो ये बेस्ड होते हैं विजडम पे, माइंड पे। अगर बात करें रिलीजन की, ये बेस्ड होता है सोल पे, हार्ट पे, ठीक है। ये जो है हमारा रिलीजन सोल्स पे, हार्ट पे ये विश्वास या फिर बिलीव करता है, या इनका बेसिस ये होता है सोल और हार्ट, ठीक है। याद रखना ये सारे के सारे डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एथिक्स और रिलीजन के ऊपर आए तो ये तीन पॉइंट तो आपके होने ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिलीजन के बारे में। देखिए हमारे इंडिया में ना बहुत अलग अलग रिलीजन है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म, ठीक है, इस्लाम, ये अलग अलग रिलीजन है। और हर रिलीजन की जो फिलॉसफी या फिर बेसिक वैल्यूज़ है ना वो अलग अलग है। और कौन कौन सी वैल्यूज़ है देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, क्रिश्चियनिटी क्या प्रोपगेट करती है, फॉरगिवनेस के ऊपर, लव के ऊपर, केयर के ऊपर, कंपैशन के ऊपर। बुद्धिज़्म क्या प्रपाउंड करता है, नॉन ग्रीडीनेस, मिडल पाथ, सेल्फ सेक्रीफाइस, सोशल एथिक्स। जैनिज़्म क्या प्रोपगेट करता है, नॉन वायलेंस, पीस, फिर राइट फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। ये तो आपको पढ़ाई होगा आपने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट क्या, मैंने दोनों लेक्चर लिए हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे, वो आप जाके देख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदुइज़्म के बारे में। हिंदुइज़्म के बारे में बात करें तो हिंदुइज़्म प्रमोट करता है इंक्लूसिवनेस, प्लुरैलिटी, ट्रुथ, निष्कर्मा, ठीक है, ड्यूटी, धर्मा, सेक्रीफाइसेस। अगर इस्लाम की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी। तो हर जो धर्म है अपनी अपनी अलग जो है इनके वैल्यूज़ हैं या फिर जो नॉर्म्स हैं ये प्रोपेगेट करते हैं। जैसे हर रिलीजन का अलग अलग है, मैंने आपको अभी दिखाया। बट अगर बात करें स्पेसिफिकली हिंदुइज़्म में, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू जो है ये प्रोपेगेट करते हैं। जैसे वेदास में क्या बोलते हैं, मेन एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो वेदास हैं ये प्रोपेगेट करते हैं कि भैया जो ह्यूमन लाइफ का मेन एम होना चाहिए ये गुड ह्यूमन बीइंग बनना, ठीक है। ये हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं जो हमारा हिंदुइज्म प्रोपेगेट करता है। अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद क्या क्या बताता है, जैसे ट्रुथ, धर्मा, कर्मा, सत्यमेव जयते, ये हमारा क्या बताते हैं उपनिषद। और सत्यमेव जयते पे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है UPSC में, ठीक है। तो ये ज़रूर से याद रखना कि जो उपनिषद है इस सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद से हमने उठाया है, याद रखना। गीता में क्या बताता है, सेल्फलेसनेस प्लस ड्यूटी, ठीक है, आपको पता होगा। सेल्फलेसनेस मतलब क्या है कि जो हमारा अपने खुद के इंडिविजुअल के बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, और प्लस ड्यूटी हमें कैसे करनी चाहिए। हमारी ड्यूटी जो होती है वो हमको निष्काम मतलब जो कहते हैं ना कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं करनी चाहिए। फिर वेदास क्या है, एथिक्स इज डिफाइंड एज डोंट डू अनटू अदर्स एज यू डोंट डू टू बी बाय। मतलब क्या है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। कि मतलब क्या है, अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो अच्छे, अगर हमें अच्छा ट्रीट करें तो हमें भी दूसरों को अच्छा ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि आसान भाषा में बोलूँ तो वे जो है हमें धर्म कर्म की जो है सीख हमें बताते हैं।
फिर रामायण की बात करें तो अधेरेंस टू ट्रुथ प्लस जो राम राज्य की स्थापना जैसे गुड गवर्नेंस है ये हमको स्थापित करना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा अच्छा कोट है जो आप एसे वगैरह या एथिक्स में कोट कर सकते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। ये लॉर्ड राम ने बोला था कि जो अगर आपकी डेथ भी हो जाए पर जो वचन आपने दिया है वो वचन खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके अगर प्राण भी दाव पे लग जाए तो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट जो वचन आपने दिया है इसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। फिर अब बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है। देखिए, अगर बात करें एथिक्स एंड रिलीजन की, दोनों ही एम्फेसिस करते हैं ऑन ह्यूमन कंडक्ट, दैट मीन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट टू बी प्रोसेस ऑफ एनीथिंग और वर्ल्डली थिंग रैदर देन टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। मतलब क्या है कि देखिए, दोनों एथिक्स प्लस रिलीजन दोनों ही एम्फेसिस करते हैं कि एक इंडिविजुअल को जो वर्ल्डली फिनोमिना है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बट रैदर एक गुड ह्यूमन बींग जो है इसको बनना चाहिए। हर इंडिविजुअल को जो है गुड ह्यूमन बींग बनना चाहिए। मैंने अभी आपको दिखाया था ना जो वेदास कहते हैं एक गुड ह्यूमन बींग करो, और एथिक्स भी हमको क्या सिखाते हैं कि अगर आप सारी चीज़ें अच्छे करोगे एथिकली करोगे तो एक गुड ह्यूमन बींग बन जाओगे आप। तो दोनों ही एम्फेसिस करते हैं कि जो वर्ल्डली फिनोमिना है इसके पीछे मत भागो, बट बल्कि जो गुड ह्यूमन बींग है इसको बनने की सोचो। ठीक है, अगर आप गुड ह्यूमन बींग बनोगे तो मतलब ऐसा समझा जाता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। फिर नेक्स्ट है, एथिक्स इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलीजियस प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज एज रिलीजियस प्रोसीज द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। इनफैक्ट इन इंडिया रिलीजियस फिलोसफी विद गाइड एथिक्स। मतलब क्या है कि अगर इंडिया में देखें, इंडिया में स्पेसिफिकली इंडिया का एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एथिक्स और प्लस रिलीजन दोनों ही एक साथ चलते हैं। एक साथ कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा जो एथिक्स है ये क्या बोलते हैं कि हमको नॉन वायलेंस पे जाना चाहिए, प्लस अभी मैंने दिखाया था आपको जो जैनिज्म है, देखा ये किसके बारे में बात करता है, नॉन वायलेंस के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जैनिज्म के अलावा सारे के सारे रिलीजन वायलेंस प्रमोट करते हैं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एथिक्स और रिलीजन है दोनों ही जो है जो हमारी सोशल फिलोसफी है या फिर सोशल वैल्यूज़ हैं इनको प्रमोट करते हैं। जैसे एग्जांपल बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म किस किस के बारे में बात करते हैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हिंदुज़्म किसके बारे में बात करता है, निष्कर्म, ठीक है, कि हमको जो कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना जो हमारी ड्यूटी है वो करनी चाहिए, ड्यूटी, धर्म, सेक्रीफाइसेस। प्लस जो बुद्धिज़्म किसके ऊपर बात करता है, ग्रीडीनेस, मिडल पाथ, सेल्फ सेक्रीफाइसेस। जैनिज़्म नॉन वायलेंस, राइट फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, ये सारे के ऊपर बात करता है। तो मतलब क्या है कि जो एथिक्स और रिलीजन दोनों ही एक साथ काम करते हैं ताकि सोसाइटी में जो है हार्मनी क्रिएट हो सके, या फिर जो एथिक्स और रिलीजन दोनों ही अच्छे से चल सकें सोसाइटी में, इसलिए जो है दोनों ही सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिखाया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और हिंदुज़्म। फिर बात करते हैं सम पॉजिटिव रिलीजियस प्रिंसिपल ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स सच एज अधेरेंस टू ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। मतलब क्या है कि कुछ जो है रिलीजन प्लस जो एथिक्स हैं ये दोनों ही सोसाइटी में इस तरह काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी या फिर नॉन वायलेंस आ सके। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल जैनिज्म का बताता हूँ। जैनिज्म क्या प्रमोट करता है कि हमारी सोसाइटी में जो है नॉन वायलेंस सोसाइटी में अपना सके, सारे लोग जो है नॉन वायलेंट का तरीका अपना सके। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। ठीक है, गांधी जी जो है, गांधी जी ने हमेशा पूरी लाइफ इन्होंने यही फॉलो किया कि मैं जो है नॉन वायलेंट ये जो तरीके हैं इन पे फोकस करूंगा। ठीक है, मतलब आप सोच के देखिए, जब भी नॉन वायलेंट का नाम आता है तो ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे दिमाग में नाम आता है गांधी जी का। तो ये किससे आया, ठीक है, ये हमारे सोसाइटल एथिक्स प्लस जो रिलीजन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जो हमारा पॉजिटिव रिलीजियस प्लस जो पॉजिटिव एथिक्स हैं ये हमको देखने मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो याद रखना ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, जैसे एग्जाम्पल इंक्लूसिवनेस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फिर नॉन वायलेंस हो गया, ट्रुथ हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एथिक्स प्लस रिलीजन दोनों ही मिलकर बनाती हैं हमारी सोसाइटी में। फिर बोथ रिलीजन एंड एथिक्स सेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ह्यूमन विच कैन बी अचीव ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पाथ बोथ डील्स विद एंड्स एंड मीन्स। मतलब क्या है कि अगर बात करें एथिक्स और रिलीजन की, दोनों ही हमको बताते हैं कि हमको जो एंड है कैसे अचीव करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग को बस मींस पे फोकस करना चाहिए एंड अचीव करने के लिए, मींस अगर अच्छा होगा तो एंड भी हमको अच्छा ही मिलेगा। जैसे परफेक्ट एग्जांपल है गांधी जी। गांधी जी बोलते थे कि हमको मींस पे फोकस करना चाहिए, अगर मींस हमारा अच्छा है तो एंड भी हमारा अच्छा ही होगा, अगर हमारा मींस अच्छा नहीं है तो एंड भी हमारा अच्छा नहीं होगा। बट कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जो एंड पे फोकस करते हैं कि हमको एंड अचीव करना है, मींस कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जो जैनिज्म है, ठीक है, या फिर बुद्धिज़्म है, ये बोलते हैं कि भैया आपको एनलाइटनमेंट या निर्वाण प्राप्त करना है, मींस आप कुछ भी अटेन करो, ठीक है, कि आपका अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि आपको निर्वाण अचीव करना है या फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है। ठीक है, याद रखना।
यहाँ पे देखिए, ये मैंने कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे मीन्स और एंड। अगर रिलीजियस की बात करें तो गीता जो है ये मीन्स की बात करती है कि हमारा जो मीन्स होना चाहिए ये अच्छा होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा जो एंड भी होगा वो गलत होगा, मतलब ये बेकार होगा। तो मीन्स अच्छा होना चाहिए तभी जो है एंड जो है अच्छा होगा। अगर बात करें एंड की, तो जो निर्वाण है बुद्धिज्म में, ये बोलते हैं कि भैया आपको निर्वाण अटेन करना है, ठीक है, एंड अचीव करना है। मीन्स आप कुछ भी अपना सकते हो, वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाई, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए निर्वाण अटेन करना, मीन्स आप कुछ भी अटेन कर सकते हो। अगर एथिक्स की बात करें तो कांत और गांधी जी एम्फेसिस करते हैं मीन्स पे। गांधी जी का एग्जांपल तो मैंने अभी आपको समझाया कि गांधी जी ने हमेशा जो है मीन्स पे फोकस किया, अगर हमारे मीन्स अच्छे हैं तो एंड भी अच्छा ही होगा। अगर एंड की बात करें तो टेलियोलॉजी और एरिस्टोटल जो है फोकस करते हैं कि हमको एंड अचीव करना है, ठीक है। आई होप ये आपको सारा जो टेबल है ये समझ आया होगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं लास्ट का हमारा टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट क्या है एथिक्स और रिलीजन के बीच में। सबसे पहला, बोथ हैव एक्सपीरियंस द कंटिन्यूअस बेसिस टेंशन विच एंड कॉन्फ्लिक्ट विच हैपन ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ वन ओवर अदर। मतलब देखिए, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए जब हमारे एथिक्स रिलीजन पे थोपे जाते हैं और जो रिलीजन है एथिक्स पे थोपा जाता है। एग्जांपल बताता हूँ, सबरीमाला का केस है, सबरीमाला का केस ले लीजिए। जब हमारे जो जो सोसाइटल एथिक्स हैं जब रिलीजन पे थोपे जाते हैं तभी तो सबरीमाला का जो टेंशन है ये बड़ी थी। अब हमारी सोसाइटी में बोला क्या जाता है कि जो 10 साल से 50 साल की औरतें हैं इनको सबरीमाला टेंपल में एंट्री नहीं है, क्योंकि जो भगवान अयप्पा हैं इन्होंने ब्रह्मचार्य की जो है पोजीशन अपना रखी है या फिर ब्रह्मचार्य का वेश अपना रखा है, इसी के कारण जो है 10 साल से 50 साल की औरतें जो है इसमें नहीं जा सकती। अब ये जो लॉजिक है ये सोसाइटी देती है, ठीक है, इसी के कारण जब ये हमारे सोसाइटल नॉर्म एथिक्स पे या फिर रिलीजन पे या फिर एथिक्स पे इम्पोज होते हैं, जो हमारा रिलीजन एथिक्स पे इम्पोज होता है तो सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी जो एथिक्स है ये क्या प्रमोट करती है, इक्वालिटी। अब रिलीजन क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना, कि सिर्फ वेमेन जो है ये एंट्री नहीं हुए, बाकी मेल जो है जा सकते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे थोपी जाती हैं तो सोशल टेंशन जो है या फिर टेंशन मैं बोलूँ सोसाइटी में या कॉन्फ्लिक्ट ये अराइज होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, मिडवेल एरा में या मिडवेल पीरियड में जो पॉप कल्चर था वेस्टर्न सोसाइटी में, जो अगर अब बात करें मॉडर्न सोसाइटी में ये रिजेक्ट करा जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगर हम वही जो पिछली वाली प्रैक्टिसेज हैं या फिर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज अब भी फॉलो करेंगे तो हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर जब एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, ये अडॉप्ट किया गया था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि हमको जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र बना तो देंगे, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो प्रियम्बल है ये क्या बोलता है कि हमको इंडिया को कैसा बनाना है, सेकुलर स्टेट बनाना है। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाते तो हमारी सोसाइटी में क्या हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट या फिर टेंशन अराइज हो जाते। तो वही कहने का मतलब है मेरा कि अगर हम रिलीजन में कुछ रिफॉर्म नहीं लेके आते टाइम टू टाइम, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो हमने सेकुलर बनाया ना कि हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बनाते तो हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने मिल जाता। फिर अगर बात करें सिमिलरली, रीसेंट टाइम चॉइसेस ऑफ व्हाट पीपल शुड ईट एंड पीपल शुड नॉट स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल हैव जनरेटेड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। अब देखिए, कुछ लोग क्या होता है सोसाइटी में, कुछ लोग काउ स्लॉटरिंग वगैरह करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको जो है काउ स्लॉटरिंग नहीं करनी चाहिए। जो ये डिफरेंस है एथिक्स में प्लस रिलीजन में, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस रहता है ये हमारे सोसाइटी में देता है वायलेंस, मतलब बढ़ावा कम्युनल वायलेंस को। तो यही जो है ये सोशल टेंशन या फिर जो कम्युनल वायलेंस हेट स्पीच वगैरह है ये सोसाइटी में बढ़ावा देता है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे जो रिलीजन हो रहे हैं, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं या फिर जो हमारे जैसे जैसे एथिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे ही हमको रिलीजियस में भी चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखा ट्रिपल तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी हाल ही की डायरेक्टली जो है हमारी सोसाइटी चेंज हो चुकी थी, बट जो अभी ट्रिपल तलाक वाला जो है ये अभी आया है ये नोशन, ठीक है, ट्रिपल तलाक को जो है ख़त्म करने का, ठीक है। तो याद रखना कि ट्रिपल तलाक जो है ये अभी फोर्स में आया, बट जो सोसाइटी हमारी डायनेमिकली चेंज होती जा रही है। बट अब देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, और राम मंदिर हो गया, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बाबरी मस्जिद वाला। बट इन सोसाइटी या जो इन ये कॉन्फ्लिक्ट हैं इनको सोसाइटी में से इरेडिकेट या कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो हमको सबसे पहला है कि हमको सेकुलर स्टेट बनाना है, मतलब जो स्टेट होता है उसमें से पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है। अगर स्टेट जो है न्यूट्रल रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन होगी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो रिलीजन होना चाहिए दूसरा पॉइंट, सबसे पहला कि स्टेट जो है न्यूट्रल रहना चाहिए,
रिलीजन से। दूसरा पॉइंट कि जो रिलीजन होना चाहिए हमेशा प्राइवेट स्फीयर में रहना चाहिए, प्राइवेट एंटिटीज़ को मानना चाहिए, पब्लिक स्फीयर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। और तीसरा कि हमको जो है कुछ लीडर या फिर कुछ रिफॉर्मर चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद। जैसे स्वामी विवेकानंद क्या बोलते थे कि निर्वाण या फिर एनलाइटनमेंट जो है ये मुझे सबसे लास्ट में मिले, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको मुझे सर्व करना है। उनका मानना था कि अगर मैं सोसाइटी में लोगों को सर्व करूंगा तो वही सबसे सुप्रीम या सबसे मैं बोलूँ प्राइम ड्यूटी है, लोगों को सर्व करना ही जो है सबसे सुप्रीम माना जाता है। तो लोगों को सर्व करके ही जो है मैं रियल निर्वाण या फिर रियल एनलाइटनमेंट जो है प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर हमारी सोसाइटी में ऐसे लीडर होंगे जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गया, गांधी जी हो गए, अगर ऐसे लीडर होंगे तो हमारी सोसाइटी में जो है हारमनी क्रिएट होगी या जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एथिक्स और रिलीजन के बीच में ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है एथिक्स और रिलीजन प्लस लॉ और एथिक्स प्लस मोरालिटी और एथिक्स में से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आप जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसमें 5 मिनट शुरू के मैं आपके जो डाउट हैं उसको ही क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून, थैंक यू।